असलमेकम वेलकम टू दिस वीडियो उम्मीद है कि सब खैरियत से हो गए अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है इस बॉक्स में घुसी हुई है तो वो अंदर से इसको कलरिंग कर रही है बच्चे घर में हैं छुट्टियाँ हैं तो बोर्ड होते हैं तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो करने देती हूँ तो ये वाले जो है बैटर्स किए थे ऑर्डर तो वो आ गए थे बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने वेट भी नहीं किया मैंने कहा भी था कि वीडियो बना लिया है लेकिन मेरी किसने सुनी थी तो वो सारे फाड़ चीर के उन्होंने जो ऊपर रैपर थे वो सारे उतार दिए और उसके बाद जो है मैट्रेस फटाफट उनकी बेड्स पर चले गए बेड है तो वो इन मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी किचन माशाला से जो इसका हाल है बेचारी का तो यहाँ पर टाइल्स तो काफ़ी से उतारी थी लेकिन टाइम नहीं था तो इसलिए नहीं लगवा सके थे तो अभी छुट्टियाँ हैं तो हमारा यही है कि अब छुट्टियों में ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम ये सी जो लगी हुई होती है एडहीसिव जो टाइल्स के साथ होती है तो वो वाली उतारनी है तो ये काफ़ी मुश्किल है उतारनी वैसे तो आप इसको उतार नहीं सकते हाथों से या स्क्रैपर के साथ वो करते हैं लेकिन इतनी वो बहुत मुश्किल है फिर हमने इसके जो स्टीमर होता है वो वाला यूज़ किया था और उसके साथ फिर जो है ये थोड़ी जब गीली होती है स्टीम की वजह से तो फिर ये आसानी से उतर जाती है तो फिर इसी तरह साथ इस तरह से स्टीमर को भी यूज़ किया था हस्बैंड ने तो इस तरह से हमने जो ऊपर पेपर लगा हुआ था यहाँ पर वो भी उतार लिया है और जो टाइल्स के ये वॉल्स थी वो भी हमने साफ कर ली है अभी मैस तो काफ़ी पड़ गया है वो मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी साथ साथ जब मैं इसको क्लीन करूँगी और यहाँ पर शाम का वक्त है तो मैं वाटर मेलन जो है वो कट करने लगी हूँ तो ये वही वाला वाटर मेलन है जो हम एलडी से लाए थे तो मेरे कहा था कि मैं इसको कट करके दिखाऊंगी कि ये कैसा निकला है ये मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया था मैंने तो कभी नहीं किया मुझे हमेशा डर लगता है कि ये अच्छा नहीं निकलेगा मेरी इतनी चॉइस अच्छी नहीं है <laughs> तो वो लाते रहते हैं तो इस दफ़ा वो लाए हैं तो ये देखें कि इसका सीज़न तो नहीं है लेकिन अभी भी ये बहुत जो है अंदर से रेड रेड था और मज़े का था यहाँ पर मैं चक कर बताती हूँ कि देखिए कि ये कितना टेस्टी है माशाल्लाह बहुत मजे का है और मेरे बच्चे तो कहते हैं कि हमें जो है लगता है कि रमज़ान आ गया है रमज़ान फीलिंग आ गई है तो वाक़ी जो है रमज़ान के महीने में ही ये वाटरमेलन बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ यू के में और हर शॉप से मिल जाता है एजडा में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अब तो कभी कभार मिलता है किसी किसी शॉप में बच्चे लाइक करते हैं और हम भी वो तो ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए ले आते हैं तो यहाँ पर मैंने बनाई थी थोड़ी सी चाट अपने लिए काफ़ी मज़े की बनी थी लेकिन यह है कि मैंने थोड़ा सा लेज़ीपन था तो इसीलिए मैंने इस कुछ खास नहीं डाला थोड़े नॉर्मल चीज़ें डाली थी तो इसकी रेसिपी मैंने ही शेयर कर रही यहाँ पर मैं जो शॉपिंग हॉल दे देती हूँ जो मैं एजडा से चीज़ें लाई थी ये बॉम्बे मिक्स लाई थी मैं क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था ये नहीं लाई कि ये बच्चे जो है पसंद करते हैं एज अ स्नैक और ये साथ में जो है गार्लिक ब्रेड ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ बच्चों को ये अच्छी नहीं लगती गार्लिक की जो होती है स्मेल वो काफ़ी स्ट्रांग होती है तो उनको अच्छी नहीं लगती ये जो पैन केक्स थे ये काफ़ी मज़े के थे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किए तो फिर मैं ये एक दो लाई थी डिफरेंट डिफरेंट थे ये दोनों तो दो, दो, ये वाले अभी यूज़ नहीं किए जो छोटे वाले थे वो बच्चों ने खा लिए हैं और उन्होंने काफ़ी एंजॉय किए थे सिरप के साथ तो जो मैं एल डी से सिरप लाई थी वो जो आइसक्रीम के लिए और आप किसी भी चीज़ पर डाल कर वो यूज़ कर सकते हैं तो बच्चों ने पै पैन केक्स के साथ खाए थे तो काफ़ी मजे के थे और साथ में ये जो मिनी रैप्स से ये छुट्टी के लिए लाई थी कि बच्चे जो बेटा और बेटी है वो तो खा लेते हैं माशाल्लाह से वो इस तरह से बड़े रैप भी ले लेते हैं लेकिन छोटी अभी बहुत छोटी है तो फिर वो उसका जो रैप होता है कट करके दू ना तो वो लीक होता है तो इसलिए मैं छोटे वाला उसके लिए लाई हूँ और ये दो पिज्ज़ा मैं दोबारा ले आई हूँ एजडा से इस दफ़ा लाई हूँ क्योंकि बच्चों ने जो एल डी वाला था बहुत इन्जॉय किया मज़े का था तो फिर मैं ये एजडा से दो ले आई हूँ उसी तरह का लगता है ये भी और बंस दो आते रहते हैं बच्चे कबाब बंस बना लेते हैं बंस के साथ कबाब बर्गर्स और कभी कभार में जो चिकन बर्गर होते हैं वो भी बना लेते हैं और सवैया काफ़ी अरसे से नहीं बनाई थी तो ये मैं लाई हूँ तो मार्श महल हो बच्चे साथ हो तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो साथ चलती रहती है और ये हलाल है ये दो तरह के होते हैं एजडा से आप शॉपिंग करें तो वहाँ पर थोड़ा बंदा कभी कंफ्यूज भी हो जाता है तो एजियन जो सेक्शन है वहाँ से आप चेक करके लें तो वहाँ पर हलाल होते हैं और ये वाली जो छोटी छोटी प्लेट्स ये भी अल्जा से ली थी वन पाउंड ईच है पहले भी इसी तरह की थी तो वो ख़राब हो गई थी तो इसलिए फिर ये नई ले ली है बफर्स और खजूरें जो है खजूरें लाई हूँ काफ़ी अरसे से ख़त्म हुई थी तो ये ले आई हूँ कि अभी अशूरा के रोज़े भी हो गए तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी इन और साथ में जो है वैसे भी सुन्नत है घर में खजूरें ज़रूर होनी चाहिए और ये एक शैम्पू ये लिया है मैं पहले नहीं ट्राई किया हुआ तो ट्राई करूँगी इन कि छोटी को बहुत ज़्यादा होता है कि डर उसकी आँखों में चला जाता है शैम्पू तो मैं फिर उसके लिए ये वाला लाई हूँ टीयर्स फ्री वाला और दूसरे वाला जो लोरियल वाला है वो मैं आगे ट्राई कर चुकी हूँ वो वाला काफ़ी अच्छा है उसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है तो फिर मैं वो ले आई थी और हैंड वॉश वो तो आजकल बहुत ज़रूरी है मेरे हाथ जो है बहुत ड्राई होते हैं तो इसलिए मैं वो लाई हो मॉइसचराइजिंग वाला और साथ में ये फ़लूदा है फ़लूदा बहुत मज़े का है ये मैंने टेस्ट किया था मेरे नेबर में होती है तो उनके घर तो बहुत मज़े का था तो मैंने देखा फिर मैंने भी ले लिया और ये प्लांट बेस्ड जो होता है वीगन कबाब्स ये लाई हूँ ये पहले भी ट्राई की थी बहुत मज़े किए हैं नहीं ट्राई किए जिसने वो ज़रूर ट्राई करें जिनको वेजिटेबल्स पसंद हैं तो काफ़ी मज़े के थे ये और वीटा ये वाला मैंने देखा कब तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बहुत प्यारा लगा तो इसमें पता नहीं कैसे मैंने देखभाल के लिया था लेकिन फिर भी घर जब आई तो उसमें थोड़ी सी एक छोटी सी स्क्रैच लगी हुई थी और बच्चों के लिए ये स्कूल बॉटल्स लाई हो के स्कूल्स की नई क्लासेस स्टार्ट होगी नया साल भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा तो फिर मैंने उनके लिए नई वाटर बॉटल्स ली है कि स्कूल में इनकी ज़रूरत होती है और एक जी कैटल के आगे जो मैं यूज़ कर रही थी काफ़ी अच्छा था तीन साल उसने टाइम निकाला है बहुत मैंने यूज़ किया अब ख़राब हो गया तो फिर नया लेना पड़ा तो देसी स्टोर पे मैं सिर्फ प्याज लेने के लिए गई थी तो फिर देखे कि मैं कितनी चीज़ें जो है उठा लाई जो जो मुझे अच्छी लगी थी और देख के मुझे लगा कि इनकी ज़रूरत है तो फिर मैंने वो ले ली और तो रही अब काफ़ी अरसे से नहीं बनाई थी तो वो लाई हूँ और चीजें केक में मदीरा के एक सिलाई थी ये काफ़ी अच्छे रहते हैं ट्राइफल वगैरह के लिए तो ये मैं ले आई हूँ और जेलिस ख़त्म होने वाली थी तो देखी तो मुझे याद आ गई फिर मेरी जेली ले ली है चार कलर्स की ली थी मैंने तो ये काफ़ी हैंडी रहती है किसी भी ट्राइफल के लिए या फलूदा वगैरह के लिए एक फ़ालदा लाई थी और साथ में ये सवैया वहाँ पर मैंने देखी तो ये वाली अच्छी डील थी बाई थ्री गेट वन फ्री इस तरह के पैक बने हुए थे इसमें चार पैकेट हैं तो मेरे लिए इतने काफ़ी थे तो फिर मैं सिर्फ चार ही लाई हूँ इस पैकेट में चार है तो काफ़ी अच्छी डील थी और साथ में ये क्या कहते हैं इसको डबल क्रीम वो लाई थी और टमेट सॉस जो है ये पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ और ये चिल्ली पाउडर आके यूज़ किया था काफ़ी अच्छा है ये और ये जो पेपरिका पाउडर कई दफ़ा जो ए, रेड चिली पाउडर होता है वो काफ़ी स्पाइसी होता है तो जो हांडी है उसका कलर इतना अच्छा नहीं निकलता तो पैकर डाले ना तो उसका कलर जो है अच्छा निकलाता है फिर इसलिए मैं वो यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी और यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक चीज़ आपको दिखाने के लिए तो चले देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है कि ये बाहर से जब आए थे हम वापस तो जैसे अंदर आए थोड़ी देर के बाद जो है ये वाला डिलीवरी हो गई थी तो चले मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या है मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी एक्साइटेड है और वो साथ में हेल्प कर रही थी खोलने के लिए तो ये है ट्राई पार्ट तो आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रही हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं था सिर्फ मोबाइल फ़ोन है जो मैं यूज़ करती हूँ तो इन कभी कभी आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी कि मैं कैसे वीडियोज़ जो है वो शूट करती रही हूँ सोइंग की वीडियोस और व्लॉग की और कुकी की वीडियोस जो है वो मैं कैसे शूट करती रही हूँ तो अब मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ कि एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया है पहले तो मेरा यही था कि शायद मेरा इरादा चेंज हो जाए मैं यूट्यूब छोड़ दूँ लेकिन अब जो है इतना टाइम हो गया है वीडियोस बनाते हुए तो अब मुझे लगता है कि मैं नहीं छोड़ूंगी इन तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर ली है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मुझे वीडियोस बनाने में क्योंकि सेटअप करने में काफ़ी जो है मुश्किल पेश आती थी तो मेरा यही था कि मैं इस पर अभी पैसे ज़ाया ना करूं लेकिन अब मुझे करने पड़े ये काफ़ी अच्छा है अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था और ये बहुत ही अच्छा है इसकी जो कुछ एक्सेसरीज़ भी है रिमोट भी इसके साथ है मोबाइल फ़ोन आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं कैमरा हो तो आप कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही जो है ना अच्छी क्वालिटी का है तो साथ साथ अब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा है आप ज़िंदगी में जो भी आप गोल सेट करें तो उसके लिए आपको जद्दहद करनी पड़ती है एक ही रात में आपको कामयाबी नहीं मिलती तो इसलिए जब भी आप किसी काम तो करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ जो आप को पैशन हो जो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है तो मेहनत जो है वो आपने करनी होती है तो मैं साथ साथ बातें करती रहूँगी वीडियो जो है बाकी जा रही है तो यहाँ पर मैं बना रही थी जो छलियाँ होती हैं वो वाली बच्चों के लिए स्नैक्स तो देखिए मैं यहाँ पर गैस पर रेडी करती हूँ तो ये बहुत मज़े की होती हैं जैसे पाकिस्तान में तंदूर में करते हैं ना तो उसी तरह से ये पक जाती हैं तो स्लो इसकी जो हीट है स्लो रखनी है और आराम से कुक करना है और जहाँ पर मैं बर्तन वाश कर रही थी तो मुझे याद नहीं रहा कि मैं सेवियाँ इधर रखी हुई थी तो वो देखेंगे वो सारी उबल कर आ गई तो मेरे से ये मसला होता है कि जब दो काम साथ करूँ ना तो एक गड़बड़ हो जाती है तो आज भी वही हुआ तो यहाँ पर मैं अब पहले गैस साफ कर लूँगी नहीं तो ये सूख जाएगा दूध तो फिर साफ करना मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने ऊपर ऊपर से साफ़ कर लिया है एक साइड पर दूसरी साइड से अभी नहीं किया कि इधर गोश्त रखा हुआ था गलने के लिए तो जब ये गल जाएगा तो फिर इस साइड पर से भी साफ़ कर लूँगी यूके का वेदर बड़ा धोखेबाज है तो देखें कि यहाँ पर बारिश हो रही है कुछ देर बारिश होती थी और थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी तो अब जब शुरू हुई है तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि आवाज़ आ रही थी अंदर और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ और ये क्लिप जो है वो मुहर्रम की दस तारीख का है तो आज मेरा इंटरनेट भी काफ़ी ख़राब है काम नहीं कर रहा तो पता नहीं कब तक वो ठीक होगा जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इसका मतलब है इंटरनेट ठीक हो गया है लेकिन अभी काफ़ी मसला हो रहा है बिल्कुल जो है सिग्नल नहीं आ रहे तो जब आएंगे तो मैं इनशाला वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आजकल काफ़ी बिजी हो तो इसीलिए काफ़ी जो है ना गैप आ रहा है व्लॉग्स में तो इन जब थोड़ी फ्री हो जाऊंगी बच्चे स्कूल दोबारा स्टार्ट कर लेंगे तो फिर टाइम होगा तो आराम से फिर मैं वीडियो जो है बना सकूंगी और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आईना आने वाली वीडियोज़ आप इंजॉय कर सकें तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी डिफ़रेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करें वहाँ पर मैंने हर कैटेगरीज की जो वीडियोस हैं वो अलहदा कर दी है सोई की अलहदा है आपको वहाँ पर मिल जाएगी जिस तरह की वीडियोस और कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आसानी से आप चेक कर सकते हैं मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो में शेयर करूं और कोई हेल्पफुल वीडियो होनी चाहिए तो इसीलिए डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूं तो इसीलिए प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय अब तो शाम का शाम का नहीं रात का वक्त हो गया है मगरब के बाद चाय बनाई थी तो यहाँ पर यह सालन का थोड़ा सा दाग लग गया था तो ये एल्बो ग्रीस बहुत अच्छी है जहाँ भी स्टैंड वगैरह होते हैं ये यूज़ करें तो वो उतर जाते हैं फैब्रिक वगैरह किसी पर कपड़े पर लग जाए दाग जो सालन के दाग होते हैं तो वो आसानी के साथ उतर जाते हैं और चाय मेरी रेडी हो गई है केक रखे थे मैंने फिर याद आया कि दूसरी डिज़र्ट्स है तो सवैया और चावल वो खा लेते हैं आज तो केक का इरादा तर्क कर देते हैं तो आज की वीडियो यहीं तक उम्मीद है कि आपने इंजॉय की होगी अगर की है तो लाइक कर दें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज